आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक विंटर स्पेशल डेलिकेसी, मेथी पनीर की भुर्जी। अगर सर्दियों के मौसम में आपने इसे नहीं बनाया है तो अब इस हाई टाइम आप इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है ये, देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। फुल ऑफ हेल्थ एंड फुल ऑफ टेस्ट, ये है बहुत ही डिलीशियस, इसे जरूर ट्राई करें। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी पनीर भुर्जी की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इस विंटर स्पेशल रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। इस रेसिपी को मैं तेल में नहीं घी में बना रही हूँ, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बटर। दोनों ही चीजों को अच्छे से गर्म हो जाने दें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 से 2 तेजपात के पत्ते, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। गैस की फ्लेम को लो पे रखते हुए इन्हें अच्छे से सौते करें जब तक कि इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज फाइनली चॉप करके। प्याज को भी लाइटली सौते करना है जब तक कि वो पिंक या ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है। जैसे आपके प्याज अच्छे से कुक हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर रफली चॉप करके, और ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दें, 2 मिनट के लिए सौते करें। नमक डालने से टमाटरों का कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, ये जल्दी से सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे। और अब हम इसे लिड से कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सिमर करेंगे। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें, और हम क्योंकि इसे ढक के कुक कर रहे हैं तो हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 पिंच दालचीनी का पाउडर। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को भी 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 कप पानी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। इन्हें भी वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। पानी डालने से फ्लेवर्स अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएंगे, सारी ही चीज़ें वेल कम्बाइन हो जाएंगी। और अब वापस से हम इसे लिड से कवर करके 5 मिनट के लिए सिमर करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें और सारी ही चीज़ों को अच्छे से कुक हो जाने दें। जैसे ही इसके ऊपर से ऑयल रिलीज होने लगे इसे खोल लें और चेक कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 कप मेथी का यूज कर रही हूँ जिसे मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है। मेथी का स्टेम वाला पार्ट ना लें, सिर्फ मेथी की पत्तियों का ही इस्तेमाल करें। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से सौते करें। किसी भी सब्जी में अगर आप सर्दियों में हरी लीफी वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन लेवल अप हो जाता है, तो बिल्कुल इसीलिए हमने यहाँ पे मेथी का यूज करा है। इसका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफी हैं। तो अब इसे सौते करने के बाद हम इसे लिड से कवर करके 2 मिनट के लिए सिमर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथी की क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हो गई है। इसे वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है मेथी डालने से। हरी हरी मेथी बहुत ही फायदेमंद है, विंटर्स में जरूर खानी चाहिए। और अब ये सब कुक हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने हाथों से क्रम्बल कर लिया है और इसमें यूज कर रही हूँ। पनीर को ग्रेट करके ना यूज करें वरना ये बहुत ही ज्यादा मशी हो जाएगा। बस अपने हाथों से रफली क्रम्बल कर लें। कोशिश करें कि बिल्कुल ताजे पनीर का यूज करें। और अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है मेथी और पनीर का। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। थोड़ा सा दूध भी इसमें डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें और कुछ जूलियंस अदरक की। इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 कप पानी इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए पनीर की भुर्जी। तब इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर दें। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे करीब 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और वापस से डालेंगे अदरक के कुछ जूलियंस। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सिमर करें और हमारी मेथी पनीर भुर्जी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें ब्रेड, पाव या पराठे के साथ। संडे ब्रंच में आप इसे बनाएं। चाय के साथ पनीर भुर्जी और पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस मेथी पनीर भुर्जी बनके तैयार हुई है। आप भी इसे इस विंटर्स ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें।
आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।